सब्सक्राइब कीजिए माई स्मार्ट टेक को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर और माई स्मार्ट टेक के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो शादी पार्टी में आपने सॉन्ग देखे होंगे, सॉन्ग बजते हैं तो उसमें बीच बीच में डीजे भाई रवि, डीजे भाई जयवीर, डीजे भाई अमित इस तरीके के जो नाम है वो लिए जाते हैं, तो वो किस तरीके से जो है इस तरीके का आप अपना सॉन्ग बना सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा यो हनी सिंह बीच बीच में सॉन्ग में आता है, इस तरीके से आप अपना खुद के नाम का सॉन्ग बना सकते हैं, इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेड कलर का बटन, इसको आप प्रेस कर देंगे तो जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपना आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद इसमें आपको लिखना है साउंड ऑफ टेक्स्ट। साउंड ऑफ टेक्स्ट लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, जिसमें से आपको वेबसाइट ओपन करनी है soundofText.com। आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए soundofText.com, इसको आपको ओपन करना है। तो इसमें आप जो भी टैग लिखेंगे उसका टैग बन जाएगा, टैग आपको बनाना होगा तभी जो है गाने में आप डाल सकते हैं। जैसे आप कुछ भी डालना चाहते हैं गाने में, डीजे जयवीर डालना चाहते हैं, जैसे मेरा नाम डीजे जयवीर लिख रख देता हूँ मैं अपना नाम, कि मैं चाहता हूँ ये टैग जो है गाने के बीच में बजे, तो आप देख सकते हैं जो मैंने अपना नाम है डीजे जयवीर सिंह रख दिया है इसमें टैग्स में और लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर दी है। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सेव का बटन आ चुका है, प्ले का आ चुका है। तो अभी ये जो है वॉइस में डीजे जयवीर सिंह बोलेगा, तो फिलहाल मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं डाउनलोडिंग हो चुकी है, डाउनलोड हो गया है, ओपन पे क्लिक करने को आ रहा है, तो मैं आपको सुनवा देता हूँ एक बार डीजे जयवीर सिंह। तो अब आपको नेक्स्ट ये करना है, आपको जो है गूगल प्ले स्टोर में अपने जाना होगा। तो गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद इसमें आपको जो है एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा क्रॉस डीजे। क्रॉस डीजे लिखकर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सी एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएंगी, जिसमें से आपको जो फ्री वाली आएगी ये प्रो आएगी, क्रॉस डीजे प्रो। तो आपको फ्री वाली नहीं करनी है, क्रॉस डीजे प्रो पे क्लिक करना है। तो ये दोस्तों वैसे तो पैसों में मिलेगी अगर यहाँ पे आप लेते हैं, तो आपको यहाँ से नहीं लेनी है, यहाँ पे जो है ये पैसों में मिलेगा आपको क्रॉस डीजे प्रो, इसको आपको यहाँ से नहीं करना है। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से जाना है, वहाँ से आप करेंगे मेरी गूगल ड्राइव का लिंक है तो सीधे डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं बस ये दिखाने के लिए था कि ये प्ले स्टोर पर भी है लेकिन ये यहाँ पर पैसों में मिलेगी, तो आप फ्री में करना है तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन मेरी वीडियो के नीचे दिया हुआ होता है इसमें जाएंगे तो वहाँ पर लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इसका आइकन है क्रॉस डीजे प्रो का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ये रोटेट हो गया मोबाइल और इस तरीके से ये कुछ ओपन होगी। आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है, इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन होगी क्रॉस डीजे प्रो। इसको ओपन होने के बाद आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में प्लस का आइकन आ रहा है, तो आपको लेफ्ट वाले पे प्लस कर देना है, प्लस पे टैप करना है और यहाँ से आप जो सॉन्ग है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको वो सॉन्ग सेलेक्ट करना है जिसमें आपको जो है टैग्स लगाने हैं, मतलब अपना, तो आपको पहले यहाँ पे अपना मेन सॉन्ग सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश सॉन्ग है हेयर इफ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ पहले ये कैसा बज रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सॉन्ग कैसा बज रहा है, काफ़ी तेज बज रहा है। अब जो मैं दूसरा सॉन्ग इसमें डाल देता हूँ, दूसरे में हमें जो है टैग्स डालने होंगे, तो राइट साइड में जो प्लस का आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करना है और इस पर जो हमने वहाँ से बनाया था टैग वो हमें यहाँ पे डालना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है डीजे जयवीर सिंह जो हमने अभी बनाया था, इस पर टैप कर देना है आपको। अब ये इसमें ऐड हो चुका है, अब आपको करना ये है, आपको बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है तो इस पर टैप करना है आपको। इसमें करने के बाद ये राइट साइड में जो आ रहा है लो मिड हाई, इसको पूरा फुल कर देना है ताकि जो आपके टैक्स हैं उसके बाद बिल्कुल बढ़ जाए। ये करने के बाद हम आपको क्या करना है, बैक आना है और इसको प्ले करना है। अब आपको करना है ये है, अब आपको इसको प्ले करना होगा। प्ले करते टाइम ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में बटन है सिंक्रोनाइज का और फिर सी यू ई लिखा हुआ है क्यू, फिर प्ले बटन है, तो ये राइट साइड में जो टैक्स की तरफ वाला है इसको सी यू ई दबाएंगे तो ये बीच बीच में बजता रहेगा और जो हमारा टैक्स है वो बजता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, अब मैं अपना गाना प्ले कर रहा हूँ, बीच बीच में टैक्स इस बटन को दबा के टैक्स भी प्ले करूँगा, आप सुनते रहिए।
तो दोस्तों ये था कि कैसे जो है आप इसको अपने टैग्स लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसको आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे और फिर इसको रेंडर कैसे करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं इस सेटिंग का बटन आ रहा है राइट साइड में प्लस के नीचे, इस पर टैप कर देना है। इसमें टैप करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्ड, तो आपको रिकॉर्ड पर टैप कर देना है। तो जब आप टैप कर देंगे तो रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। तो अब आप जो है बजा सकते हैं गाना। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं गाना अपने टैग्स लगाकर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस तरीके की वीडियोस लेकर मैं हमेशा आता रहता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेड कलर का बटन, इसको प्रेस कर देंगे तो जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।